और अब वक्त है देश का सवाल का। आपने कई बार ये सुना होगा, इस बात को महसूस भी किया होगा कि जैसे ही कहते हैं ना कि वक्त बदलता है तो टाइम बदल जाता है, कुछ ऐसा ही हुआ है अभी। टाइम मैगजीन, जो कि अब से तकरीबन 20 दिन पहले जिसने प्रधानमंत्री मोदी को डिवाइडर इन चीफ कहा था, अब उस टाइम मैगजीन का जो नैरेटिव है वो पूरी तरह से बदल गया है। अब उसकी सोच बदल गई है और अब उस टाइम मैगजीन की नजर में नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोया है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कि 5 दशक में हिंदुस्तान को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला। इसके पीछे क्या वजह है? 20 दिन में अचानक से क्यों टाइम मैगजीन के सुर बदल गए? क्या मोदी का टाइम बदल गया इसीलिए टाइम मैगजीन के सुर बदल गए? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आइए करते हैं देश का सवाल की शुरुआत। और सवाल आज यही है कि जो बड़ी जीत मिली है, जो बड़ा जनादेश मिला है, क्या उसी ने टाइम के सुर बदल दिए हैं? मोदी के बदलते टाइम ने टाइम को भी बदल दिया है। सबसे पहले मेरे साथ जो पैनल है, मैं उस पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरे साथ के शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। विकास गुप्ता जी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और कांग्रेस सिंपथाइजर हैं, वो इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं। दीपशिखा जी इकोनॉमिस्ट हैं, वो स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ हैं। रविन्द्र सचदेव जी हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट, स्टूडियो में इस वक्त साथ में मौजूद। उमाकांत लखेड़ा जी सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त मेरे साथ हैं। और मनीष अवस्थी जी चीफ पॉलिटिकल एडिटर इंडिया न्यूज, वो भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं, सबसे पहले एक न्यूट्रल राय। लखेड़ा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, ये टाइम बदला है या टाइम पलट गया? ये तो इसको कहेंगे कि बिल्कुल पलट गया टाइम। 10 मई को क्या एक कवर पेज छापा था टाइम मैगजीन ने और अब क्या छाप रहा है? पूरी तरह से टाइम बदल गया, यानी कि जनादेश ने जो 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 एक नैरेटिव सेट किया उसने टाइम का टाइम बदल दिया। यस, आपकी बात से मैं सहमत हूं। देखिए, मौसम का मिजाज देख करके टाइम्स ने अपनी राय दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात उन्होंने जिस तरह से नैरेटिव पहले टाइम मैगजीन ने मोदी जी के बारे में किया था, वो बहुत सारे लोगों को गले नहीं उतरी। खास तौर पर जो मोदी जी की लहर को लेकर के बहुत सक्रिय थे और एक्टिव थे, और जो मानते थे कि मोदी का विकल्प नहीं है, और जिस तरह से बीजेपी की पॉलिटिक्स जो अपोजिशन पार्टीज के गले नहीं उतर रही थी, जो मोदी जी के क्रिटिक थे, जो बीजेपी के क्रिटिक थे, उनके गले नहीं उतर रही थी, तो उनको ऐन मौके पर जबकि आखिरी फेज का चुनाव बाकी था, तो एक लगा कि एक बहुत बड़ा सेटबैक बीजेपी के जो स्ट्रेटजिस्ट थे उनको लगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर टाइम मैगजीन का जो मैसेज है, जो उसमें लेख लिखा गया है, उसको लेख के उसके पक्ष और विपक्ष में पूरी दुनिया में चर्चा चली, सोशल मीडिया पे चर्चा चली, बहस चली, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि जो भारत का जो जनादेश आया, उस जनादेश पर टाइम मैगजीन में भी बहुत दिमागदार लोग हैं और वो इतना जल्दी अपनी राय नहीं बदलते। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की धमाकेदार अनएक्सपेक्टेड जो जीत, जो बीजेपी को तो एक्सपेक्टेड लग रही थी, लेकिन जो बीजेपी में नहीं है या न्यूट्रल लोग हैं, खासतौर पर इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, भारत के इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, उसमें बीजेपी के समर्थक इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, उनको इतनी भारी भरकम जीत की उम्मीद इतनी नहीं थी। हाँ, हम लोग भी, सब लोग कह रहे थे जो आपके स्टूडियो में बैठे हुए थे, एनालिसिस कर रहे थे कि बीजेपी को थोड़ा मुश्किल पैदा हो सकती है मेजोरिटी लाने में, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ये सबको 99% लोगों को ये पता था, 1% लोगों के गले नहीं उतर रहा था, लेकिन हम लोग सब इस राय के थे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे चाहे कोई भी सूरत आए। ठीक है मनीष जी, आपका रिएक्शन। 10 मई का जो कवर पेज था उसमें कहा गया कि डिवाइडर इन चीफ, जहरीला राष्ट्रवाद फैलाने वाला शख्स, एक ऐसा शख्स जो कि विकास में पक्षपात करता है, धर्म को सामने रखता है, लेकिन 28 मई वो सब कुछ बदल जाता है, वो नैरेटिव बदल जाता है। एक ऐसा शख्स जिसने भारत को एक सूत्र में पिरो दिया, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि 5 दशकों में भारत को नहीं मिला, 20 दिन में मतलब टाइम बदला तो टाइम बदल गया। रोहित, मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आता है, इज्जतें शोहरतें चाहतें कभी एक जैसी नहीं रहती, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। टाइम बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और टाइम टाइम की बात है, टाइम की बात में आप देखिए डिवाइडर इन चीफ से मोस्ट स्ट्रांगेस्ट मैन और ये बहुत सारी अभी कहानियां गढ़ी जाएंगी, लेकिन उस समय मैं एक पत्रकार के नजरिए से अगर देखूं तो उस समय जो लिखा गया होगा, जो अंदाजी घोड़े के अनुमान पर प्रचार प्रसार चल रहा था और जिन मुद्दों पर बात हो रही थी, ध्रुवीकरण की बात थी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण साफ दिखाई दिया,
उस समय अगर ये लिखा गया तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पत्रकार का नजरिया था। अब अगर स्थिति बदली है तो अब एक पत्रकार का नजरिया अलग है। शर्मा साहब हंस रहे हैं। शर्मा साहब आपको क्या लग रहा है कि आपकी हंसी से लग रहा है आपको लग रहा है शायद कोई एजेंडा था इसके पीछे? स्वाभाविक रूप से इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस चर्चा का एक इस तथ्य जो है वो थोड़ा सा अलग रखता हूँ अपनी बात को, इस विमर्श को, इस तरह विमर्श को अलग थोड़ा करता हूँ। देखिये, जो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री चुना गया, जिसको उसके पीछे 125 करोड़ जनता ने अपनी अपना विश्वास व्यक्त किया, जन समर्थन दिया, इतनी बड़े जन समर्थन उनको प्राप्त हुआ है, और उनकी ईमानदारी, उनकी विश्वसनीयता, उनकी कर्मनिष्ठा, जो उनके कार्य की जो है, उनकी नीति, इस सब के प्रति जो है, जो इतना व्यापक जनादेश जो आया, ये उनके लिए सर्टिफिकेट है। और यही सर्टिफिकेट, जनता जनार्दन का सर्टिफिकेट ही लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। एक पत्रिका क्या लिखती है और क्या नहीं लिखती है, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ऐसी हजारों पत्रिकाएं, ठीक है, विपक्ष को ये था कि विपक्ष की तो हालत ये थी कि जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दे या कुछ भी अपशब्द बोले उसके साथ खड़े हो जाइए। यदि ये नहीं होता तो टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगाने वालों के साथ जाकर राहुल गांधी जेएनयू में नहीं खड़े होते और उनके नेता जो है इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। लेकिन ये इनकी तो नीति यही थी। और स्वयं जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो किस तरह के, किस यानी छोटे स्तर पर जाकर वो प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर रहे थे, जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे, तो ये स्वाभाविक। शब्दों के हमले की बात करेंगे तो आपके यहाँ से भी कम नहीं था। अगर बात मैं मनीष जी आपके उस पर नहीं जाना चाहता, आपकी अपनी राय हो सकती है, आप अपनी, लेकिन चोर चोर कहना एक देश के प्रधानमंत्री को, इसका यदि आप समर्थन करते तो आप उसके समर्थक हो सकते हैं। बात कोई समर्थन की नहीं, आप उसी समर्थन, मैं सीधा सा ये कह रहा हूँ कि जिस स्तर पर जाकर कांग्रेस के अध्यक्ष इस बात को कह रहे थे, और ये षड्यंत्र कोई आज पहली बार नहीं रचा गया, आपको ये जानकारी होगी। इसके पीछे कौन, मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे आपको लग रहा है कि वेस्टर्न जब ये नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे तब भी इस तरह के षड्यंत्र होते थे। आपको 2013 याद होगा, यहाँ सांसदों ने पत्र लिखकर जो है विदेश में लिखा, अमेरिका में, कि इनको वीजा ना दिया जाए। उस समय भी यहाँ के कुछ पत्रकार जो है बहुत सक्रिय थे उस पे, और ये लुटियन जोन के ही पत्रकार खान मार्केट गैंगी जो था, जो इस तरह के दुष्प्रचार के पीछे खड़ा था। और ये पूरी कोशिश के बावजूद जनता ने अपना जो जनमत जो है प्रधानमंत्री के प्रति, तो मतलब आपको लग रहा है कि इसी वजह से बदल गया टाइम? नहीं, निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक पत्रिका में लिख दें इससे और इससे कोई हो, हम तो जनता के बीच अपने काम तो पड़ता है। तभी लास्ट टाइम खंडन भी आप लोग कर रहे थे, खंडन इसलिए किया गया, अगर फर्क की बात तो नहीं बोलते ना, चुप रहते। ठीक है, मैं विकास जी को शामिल कर रहा हूँ, विकास जी विकास जी जब पिछली बार डिवाइडर इन चीफ कहा गया था, तब रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा ट्वीट करके बहुत टैग लोगों को किया था, लेकिन अब सब इस वक्त बिल्कुल चुप है, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर उस वक्त बोले तो इस वक्त भी रिएक्शन देना चाहिए था इस पर। रोहित जी, एक बात समझने की है कि टाइम मैगजीन का वो जो आर्टिकल आया था डिवाइडर इन चीफ, वो एक पाकिस्तानी पत्रकार के द्वारा लिखा गया था, और मुझे लगता है कि वही एक कारणवश था कि उस बात को बहुत बड़ी गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर उस आर्टिकल को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया और उस पर बहुत ज्यादा चर्चा मीडिया में नहीं हुई, कुछ वर्ग में हुई थी, लेकिन उसी तरह जिस तरह से आज अगर ये एक आर्टिकल आ जाता है कि आप ग्रेट यूनिफायर इन 50 इयर्स, तो मुझे लगता है इसको भी बहुत ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं दे रहा, माना माना कि बहुत भारी जनमत आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो जनमत है ये अपेक्षा का जनमत था। ये दुष्प्रचार, ये विपक्ष साल में पीछे, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरी इजाजत भी नहीं, और मैं इन्होंने पूछा, ये नहीं पूछा तो मैं बोलता हूँ, जो पिछले 5 साल के कार्य अधूरे रह गए हैं, मुझे लगता है कि वो एक जनता को लगा कि एक अपेक्षा रही जनता की कि हमें एक और मौका देना चाहिए, और विपक्ष कहीं ना कहीं एक सकारात्मक नैरेटिव लोगों के साथ
एक संवाद जो नहीं बना पाया उसकी वजह से एक भारी बहुमत मिला है। और इसको कह देना कि भारी बहुमत को कि ग्रेट यूनिफायर इन द कंट्री, मुझे लगता है ये बहुत, जिस तरह से डिवाइडर इन चीफ एक अतिशयोक्ति थी वही आज ये आर्टिकल भी लेकिन, लेकिन, लेकिन तब नहीं कह रहे थे, तब डिवाइडर इन चीफ को लेकिन बहुत पॉलिटिक्स हुई थी। एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त है, ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो फिर हम चलेंगे हमारे बाकी दो मेहमानों के पास और ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी के लिए कहा जाता है कि एक ग्लोबल लीडर की छवि है, तो क्या इस ग्लोबल लीडर की छवि को टार्निश करने की कोशिश के तौर पर भी हम इसको देख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर लौट रहे हैं वापस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं देश का सवाल और आज हम बात कर रहे हैं टाइम मैगजीन पर, क्यों 20 दिन के अंदर टाइम मैगजीन का जो नैरेटिव है वो चेंज हो गया। मेरे साथ पूरा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है, मैं इस वक्त रविंदर सचदेव सर के पास चलूंगा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर आप किस तरह से देखते हैं इसको, पहले जो टाइम मैगजीन का नैरेटिव था और अब जो नैरेटिव चेंज हो गया, सवाल यह है कि पहले उस तरह का नैरेटिव क्यों सेट किया गया और 20 दिन में सारी चीजें क्यों बदल गई, आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक ग्लोबल लीडर की छवि है वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्या आपको लग रहा कि उसको टार्निश करने के मकसद से जो पुराना आर्टिकल लिखा गया बाकायदा कवर पेज के साथ, इसके पीछे कोई इंटेंशन इस तरह की रही होंगी? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो पहले आर्टिकल लिखा गया कि उसकी इंटेंशनल्स थी या कोई कॉन्स्पिरेसी थी मोदी जी के इमेज को टार्निश करने की, मेरे विचार से नहीं ओवरऑल, बट यस उसका आउटकम जो हुआ डेफिनेटली मोदी जी की छवि पर इमेज पर इम्पैक्ट पड़ा, नो डाउट, ओके कुछ हद तक। अब ये जो बदला, आई थिंक बदला इसलिए कि मैगजीन के एडिटर्स होते हैं, आप सबके एडिटर्स होते हैं, जो रिपोर्टर को स्टोरी असाइन करी जाती है वो लेकर आता है, वो रिपोर्टर का अपना पर्सनल बायस भी हो सकता है या जो असली सिचुएशन अब रिफ्लेक्ट हो रही है उसको लेकर चले। तो पहले जो जर्नलिस्ट था डेफिनेटली लिबरल लीनिंग एंड यू नो एक देखिए टाइम की जो ट्रेडिशनल ऑडियंस है वो ये वेस्ट में है कि एशिया अफ्रीका पॉवर्टी करप्शन के देश हैं, ये जो पुरानी इमेज है इस तरफ के देशों की, राइट? तो वो कुछ उस चीज को लेकर के इंडिकेटेड था। अब जब ये जैसे रिजल्ट आया सो ऑब्वियसली एक दूसरा जर्नलिस्ट कमीशन करा गया, क्योंकि लास्ट वाला जो आर्टिकल था सर उसमें योगी के मुख्यमंत्री बनने से लेकर उससे पहले तक की घटनाओं का जिक्र उसमें किया गया था, यानी कि वो पिछले चार साल जो गवर्नमेंट थी, साढ़े चार साल की गवर्नमेंट थी, वो सारा चार साढ़े चार साल का जो नैरेटिव था वो अपने उस आर्टिकल के जरिए दिखाया गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। हाँ नहीं डेफिनेटली यस, उसमें मेरा पॉइंट है कि आई थिंक दो चीजें हुई हैं, एक तो जो ऑथर ने जो लिखा उसकी खुद अपना स्लांट, अपना जिस प्रिज्म से वो भारत को देख रहा था उसने वो डाला, एंड सेकेंडली टाइम के एडिटर्स ने उसको अलाउ किया, राइट? सो दैट मींस कि टाइम्स के एडिटर्स भी जो है उन्हें लगा कि ये ठीक है, ये व्यू जा सकती है हमारी मैगजीन, एडिटोरियल बोर्ड या एडिटोरियल बोर्ड या बेसिकली। बट मैं सेकेंड वाले पे आना चाहता हूं, ये जो चेंज हुआ देखिए इसमें जो आया आई थिंक ये आया कि इंडिया में एक मैंडेट आया क्लियरली। पहले आप ये सोचेंगे जी सही है या गलत है वो बात अलग है, बट इस समय जो आउटकम आया कि भारत ये सोचता है, राइट? दैट्स अ क्लियर मैसेज फ्रॉम दिस इलेक्शन। अब भारत जिस भी तरफ लीन कर रहा है पर भारत ये सोचता है, एंड भारत जो सोचता है दैट्स दी आई मीन दैट्स द डेमोक्रेसी। तो आई थिंक ये जो ऑथर ने लिखा एंड स्पेशली ऑल्सो इस इलेक्शन में ये कॉम्बिनेशन थे ऑन द ग्राउंड वो टूटे हैं शायद, राइट? इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज के साथ, विच मोदी जी ने खुद अपनी स्पीचेस में कहा है, राइट? कि हमें और यू नो हमने बाउंड्रीज तोड़ी है फॉर एग्जाम्पल। तो आई थिंक उसने उस पॉइंट को लेकर के कि इतना बड़ा मैंडेट और बाउंड्रीज टूटी हैं तो इंडिया एक तरह का कोहेसिव और बना है शायद, ओके? तो तभी यूनिफायर इन चीफ का इस ऑथर ने दिया। इनफैक्ट आई वुड से दैट मे बी टाइम्स के जो एडिटोरियल बोर्ड है वी शुड से कि फाइन पहले जो था अब जो आया सी वो तो प्लेटफॉर्म है, टाइम इज अ प्लेटफॉर्म, अलग अलग व्यूज आती हैं, अलग कभी व्यूज हमारे लिए भारत की इमेज के लिए अच्छी होंगी कभी नहीं होंगी, असलियत हमें पता है और असलियत कभी ना कभी रिफ्लेक्ट होती रहेगी। अच्छा मैम दीपशिखा मैम के पास मैं चलना चाहूंगा, मैम जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे उस दिन हमने देखा था कि शेयर मार्केट बहुत अप किया था और 40,000 के आसपास सेंसेक्स छू गया था, तो नैरेटिव बदला उसके बाद, अभी बींग इकोनॉमिस्ट आप इसको किस तरह से देख रही है? जो शेयर मार्केट में आपने देखा या जो अभी भी इनफैक्ट बिजनेस सेंटीमेंट है, आई थिंक द सेंटीमेंट इटसेल्फ इज वेरी वेरी पॉजिटिव एंड आई थिंक बिजनेस इंडस्ट्रीज अक्रॉस द बोर्ड आर वेरी हैप्पी दैट वन देयर इज कंटिन्यूटी, एक तो एक कंटिन्यूटी है और दूसरा जो हमने स्पेशली सबसे बड़ा जो हमारे लिए इश्यू था वो जीएसटी का था, तो अभी वो स्टेबिलाईजेशन जो हम देख रहे हैं सेकेंड टर्म इज डेफिनेटली नीडेड।
दी। और जो दूसरी चीज नैरेटिव की जहां तक बात है, पर आई थिंक जो ऑन ग्राउंड इश्यूज हैं जो हम सरकार के साथ देख रहे हैं, डेफिनेटली 5 बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जो सरकार के पास हैं, वो कंटिन्यू कर पाएंगे, वो सस्टेन्ड रिजल्ट्स दे पाएंगे कि नहीं, वो उसमें नंबर वन सबसे पहली चीज है कंजम्पशन पैटर्न। द सेंटिमेंट देयर इज वेरी पुअर, द कंजम्पशन इज गोइंग डाउन। सबसे बड़ा हिट आप देखिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे, आई मीन द सेल्स आर फॉलिंग, डीलर्स आर गोइंग बैंकरप्ट, पीपल आर शटिंग डाउन। The second big issue in front of this government is again banking system and NBFCs, the treatment of NPAs. Third part is again exports, big issue on the exports side. There is a clear downward pattern, and how will we revive that using Make in India or some of the other initiatives. And I think the agriculture resilience is again going down. That is the bigger इश्यू इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशली जो 72,000 वाली बातें और जो 25,000 वाली बातें जो पूरे इलेक्शन में की गई। मोदी गवर्नमेंट डिड डू अ लॉट ऑफ स्टफ टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, बट आई थिंक दिस इज वेयर द बिगर इनिशियेटिव विल हैव टू कम इन टू प्ले। एक और चीज इसमें है जो इंटरनेशनल परस्पेक्टिव से आप बात करें, आई थिंक द इंटरनेशनल प्रेशर्स फॉर मोदी गवर्नमेंट विल बी मच हायर इन दिस टर्म, वन बिकॉज द एक्सपेक्टेशन आर मच हायर, दूसरा यूएस चाइना का जो इंटरनल इश्यू हो रहा है उसमें हम कितना फायदा उठा सकते हैं, हम बहुत फायदा उठा सकते हैं, और वहां पर हमें जो स्टेप्स लेने हैं उसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा। तीसरी चीज इंटरनेशनल परस्पेक्टिव से, इंटरनेशनल फ्रॉम अ ट्रेड रिलेशन परस्पेक्टिव इज दैट आई थिंक मिस्टर मोदी विल हैव बहुत कम समय होगा उनके पास इस टर्म में, जो जितना उन्होंने रोड शो किया पिछले 5 सालों में और बहुत इफेक्टिवली किया, उस रोड शो को अब यूज करने का समय है टू बिल्ड टू मेक द इकोनॉमी मच स्ट्रॉन्गर। ये जो टर्म है बहुत क्रूशियल होने जा रहा है, बहुत क्रूशियल होने वाला है। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अभी अपने एक्सपर्ट साहब ने एक बात कही कि इस चुनाव में जैसा मोदी जी ने कहा कि बांध टूटे हैं, जाति टूटी है, धर्म टूटा है, और उसके बाद जो है इतना बड़ा बहुमत है। मैं एक बात आपको पुनः पीछे ले जाके कहना चाहता हूँ, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं मनीष जी और लखेड़ा साहब भी बैठे हैं। आज से 10-12 साल पहले मैं जब डिबेट होता था और उसमें चर्चाएं होती थी, तो एक चर्चा होती थी कि यूपी में कम से कम ऐसे 25 से 30 सीट है जो मुस्लिम एक वर्ग विशेष जो है उसको डिसाइड करता है, और ये भी चर्चा होती थी कि विधानसभा में लगभग 100-125 सीटें ऐसी होती हैं जो उनके द्वारा डिसाइड होती है कि किधर जाएगी किधर होगा। जब 2014 का रिजल्ट आया और हम 73 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर जीते जी, तब भी हम कहते थे कि निश्चित रूप से एक वर्ग विशेष जिसको कहते हैं हमसे दूरी की बात, उनका हमें सहयोग मिला है, उनका वोट मिला है। और इसके बाद जो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें हमने 324 सीटें जीती, और उसमें भी हमने इस मिथक को तोड़ा कि लोगों ने जाति धर्म और इस सब से ऊपर उठकर जो है एक तरह से लोगों ने पोल किया है जी। और वही ट्रेंड जो है हमको इस बार भी देखने को मिला कि लोग जो है इस सारे ट्रेंड उसको तोड़ते हुए, बांध को तोड़ते हुए, और देश के विकास के लिए आगे बढ़कर जो है एक नेतृत्व के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया, एक पार्टी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया जी। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए ऐसा नहीं था कि जिसने पहले टाइम्स में लिखा उसको ये पिछली हिस्ट्री नहीं समझ आई हो, पिछली हिस्ट्री भी यदि वो देखे होते तो उनको ये समझ में आता कि 2014 का जो चुनाव था वो भी जो है इतनी जो बड़ी बहुमत मिली थी 30 वर्षों के बाद की पार्टी आई थी। मेरे मन में एक सवाल और उठ रहा है उमाकांत जी, मैं ये सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं, क्योंकि जब लास्ट आर्टिकल आया था वो 10 मई थी, उसके बाद इलेक्शन के 2 फेज बचे हुए थे, बिल्कुल 12 मई और 19 मई, तो क्या हम उसको कनेक्ट कर सकते किसी तरीके से? आपकी जर्नलिस्टिक सोच क्या कहती? देखिए एक तो जो मुझे लगता है कि क्योंकि उसमें बहुत ऐसी बातें की गई थी कि नाकाम पीएम, राष्ट्रवाद की बात करने वाला पीएम, जहरीले राष्ट्रवाद फैलाने वाला पीएम, इस तरह की बहुत सी बातें उसमें। बिल्कुल, देखिए मैं ये मानता हूं कि वो टाइम मैगजीन का एक जो भी उन्होंने नैरेटिव निकाला, जो भी निष्कर्ष निकाला, वो उस समय के उसने कमेंट्री की भारत में आया रिपोर्टर, उसने बातें की, कमेंट्री की, अपोजिशन की बात सुनी, एंड लेकिन उसके बाद वो कमेंट्री की तो वो एक चैप्टर क्लोज हुआ। उन्होंने जब, मुझे लगता है कि जब ये मैंडेट आया और जो एग्जिट पोल के जो अनुमान आए, उस अनुमान के आधार पर उन्होंने अपने नैरेटिव को चेंज किया निश्चित रूप से। और मैं आपको बता रहा हूं ये अच्छी बात है, अगर कोई नैरेटिव बना रहा है इसका मतलब वो अगर उसी पूरे पुरानी बात को थोप रहा है। मैं पत्रकारों के बारे में भी बात बोलता हूं, मैं एडिटर्स के बारे में भी एक बात बोल रहा हूं कि देखिए आपको जब हकीकत का पता लगे तो हकीकत को भी उसी ईमानदारी से बयान करो।
ये नहीं कि आप अपने प्रिजुडिस होकर बयान करें, हमने कमेंट्री की, हमारे पूर्वानुमान, मेरे अपने पूर्वानुमान थोड़ा सा हटके हुए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको कि एक कमेंट्री है उसको उसी रूप में लेना चाहिए। लेकिन इस मंडेट के बाद जनता के जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इंडस्ट्री, स्लो डाउन ग्रोथ के जो स्लो डाउन्स हैं, जो फर्स्ट क्वार्टर, जो लास्ट क्वार्टर पिछले साल का था, और इवन जनवरी के जो ग्रोथ थे वो चिंताजनक हैं। नई सरकार का बहुत बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर। इसलिए कह रहा हूं मैं कि जो यूथ है, यूथ ने अबव द पार्टी लाइन, अबव द कास्ट लाइन मोदी जी को, बीजेपी को समर्थन दिया है, उन्होंने उम्मीदें जगाई है, और बड़ी भारी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर और प्रधानमंत्री उनकी पार्टी पर डाल दी है कि अगर वो उम्मीदें 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 2.5 साल में, वो उम्मीदें कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा तेजी से हमारे जो नौजवान हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको हम ये पूरी ग्रोथ स्टोरीज को हम दबा के ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकते। क्योंकि देखिए ऐसा होगा कि हमने इसी देश में 412 लोकसभा सीटों पर जीते हुए राजीव गांधी की सरकार को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देखा है, हमने खुद देखा है, हम जर्नलिज्म में उस समय आ चुके थे, और हमने इसी इंदिरा गांधी को देखा तब हम पढ़ते थे और वो वापस लौट आई। तो ये है कि राजनीति में एक ऐसी चीज होती है कि रोज एक नया चक्र का पहिया राजनीति में, नया पन्ना खुलता है, डेली आप पेज पलटते हैं, नया पेज आता है, ऐसे राजनीति में भी होता है। देश की जनता किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, वो ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करती जब तक आप रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। एक कमेंट आपका, एक कमेंट आपका। ये बात बिल्कुल सही है और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये इलेक्शन राष्ट्रवाद के नाम पे ही लड़ा गया, और बालाकोट के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया, और उस चेंज में कहीं ना कहीं जो बुनियादी मुद्दे थे, इलेक्शन जो जिस मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाता है, वो मुद्दों को जनता ने नकारा और कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पे हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं। लेकिन उसी जनता की अपेक्षा आने वाले साल दो साल में सबसे बड़ी अपेक्षा भाजपा सरकार से है। बिल्कुल ठीक है, भाजपा एक भाजपा सरकार जो है पिछले 5 वर्ष जनता की अपेक्षाओं पर ही काम करती रही और जनता के गरीबों के कल्याण के लिए काम करके वो तो किया, और उसी का लाभ भी हमको मिला है, क्योंकि हमने जनता की, वो गरीब जनता की सेवा की, उनको वहां से पहुंचाया भी है। शर्मा साहब, आपका जो संकल्प पत्र है उसमें ये साफ तौर पर है कि वी विल वर्क टूवर्ड दिस। आपने सारी बातें जो पिछली छूटी हुई हैं उसी को आगे बढ़ाने की बात पर ज्यादा जोर दिया है। बिल्कुल, तो वो मजबूती से और कितने जल्दी हो उम्मीदों, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को आप कितने जल्दी पूरा करेंगे। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि जो चीजें हमने उस समय की वो हमें एक तो पिछली सरकार की जो खाइयां थी उसे पूरी करनी थी, उस खाइयों को हमने पाटा, हमने एक नया जो है दिशा तय किया, हम जो है एक टाइम लिमिट प्रोग्राम बनाकर आगे बढ़े, और इसके चाहे उसका बिजली की योजना की बात हो, गैस चूल्हे की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, अन्य सारी वो मैं पुनः उसको नहीं गिनाऊंगा, लेकिन हमने जो काम गरीबों के उत्थान के लिए प्रारंभ किए हैं, आपने प्रधानमंत्री जी का भी संसद के अंदर भी स्पीच सुना होगा विधायक दल के, उसमें उन्होंने बताया भी कि निश्चित रूप से हम वो सारी योजनाओं को आगे बढ़ते हुए 2022 का हमने अपना लिमिट सेट कर रखा है, लास्ट कुछ मिनट जिसको हम पूरा करें। इंटरनेशनल चैलेंजेस क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम में हमने देखा था कि मोदी जी ने खूब ट्रेवल किया, कई कंट्रीज में उन्होंने ट्रेवल किया और ये बताने की कोशिश की कि नहीं हम कंट्रीज के साथ बेहतर रिलेशन कर रहे हैं, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये सेकंड टर्म रिजल्ट का टर्म है इंटरनेशनल? डेफिनेटली यस, रिजल्ट्स का वक्त है, प्लस एट द सेम टाइम चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं। मेरे विचार से 2-3 चीजें हमें बिग पिक्चर में करनी है। एक तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक बिग पिक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, वो क्या है जो कि हमारे नेबरहुड और ग्लोबली जिसको लेकर के हम एज अ फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन चले। दूसरा है हमारी फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के, हमारी फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी क्या, हम किन चीजों का एडवांटेज लें इस समय और क्या प्रेशर्स हैं, जैसे अमेरिका चाइना का जो ट्रेड वॉर्स है उसमें हम अपने को कैसे इंटरजेक्ट कर सकते हैं, क्या वहां जो कंपनीज है उनको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं भारत में, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि अमेरिकन कंपनीज मास प्रोडक्शन करें, मिलियंस ऑफ जूता एवरी मंथ गोइंग टू वॉलमार्ट इन अमेरिका, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है।
तो वो कैपेसिटी हम कैसे यहां क्रिएट करें। चैलेंजेस में हमें ईरान के साथ हमारे रिलेशंस, राइट, जहां से हमारा क्रूड ऑयल भी आता है, दुनिया में क्रूड ऑयल की प्राइसेस कहां जा रही है, लेकिन स्टैंडर्ड की जरूरत है क्योंकि ईरान से तो तेल के लिए अमेरिका तो नहीं, ईरान के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यू सी, अमेरिका हमारी इतनी मदद कर रहा है कई जगहों पर, वो हमसे अपना रिवर्स चिप मांगेगा। अभी जो मसूद अजहर का केस हुआ, अमेरिका ने हमें बहुत हेल्प करी यूएनएससी में उसके लिए, राइट, तो अमेरिका कहेगा मैं आपको वहां हेल्प कर रहा हूं, मेरी जो प्रायोरिटी है अमेरिका की इस समय ईरान और चाइना है, तो ईरान में मेरी प्रायोरिटी है सैंक्शन है, आप अपना तेल कम करो, हमें कम करना पड़ेगा। हमने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, जबकि अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शन, उसके चलते हम पे सैंक्शन होती थी, अमेरिका ने उसको भी साइड में रखा है, तो अमेरिका विल आस्क फॉर इट्स पाउंड ऑफ फ्लैश। तो चैलेंजेस बहुत हैं, हमारी अपनी जो बिम्स्टेक का इनॉग्रेशन आ रहे हैं कल परसों में जो ये सारा, हमें अपना पाकिस्तान से शायद थोड़ी एनर्जी कम करनी चाहिए, वहां पे अगर स्टेबल हो जाए जो भी हो सके डायनेमिक पीस, हमें अपनी एनर्जी को यू नो बे ऑफ बंगाल एरिया, ईस्ट एशिया, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमारी जॉब्स हैं कोस्ट में, ओडिशा, तमिलनाडु वगैरह जो लिंक हो सकती है यहां से, इस रीजन में करीब $2 trillion की, 3 trillion की इकोनॉमी है और बहुत एक्सपोर्ट का ठीक है। मेरे पास वक्त कम है मैम, इकोनॉमी क्या एक्सपेक्ट कर रही है पीएम मोदी से, बहुत अब शॉर्ट में आप थोड़ा सा बताइए मुझे। आई थिंक वो जैसे सर कह रहे थे कि खान मार्केट सिंड्रोम और एलिटिस सिंड्रोम को साइडलाइन किया गया है पूरे 5 साल, विच आई अग्री, क्योंकि हम लास्ट के समय में भी जब भी किसी भी, अगर आप किसी उबर में बैठ जाइए, ओला में बैठ जाइए, आप ड्राइवर से बात कीजिए, इनफैक्ट मेरा खुद का ड्राइवर, वो सब छुट्टी लेके अपने घर गए हैं वोट डालने, क्यों? क्योंकि उनको या तो घर मिला है, या तो उनके अकाउंट में पैसे आए, या उनके घर में चूल्हा जला है। तो एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, अर्बन जो रहने वाले हमारे जैसे आपके जैसे लोग हैं, हमारे लिए कुछ हद तक सरप्राइजेस हैं, बिकॉज हमें सिर्फ जीएसटी दिखता है, हमें सिर्फ डिमोनेटाइजेशन दिखता है, और हमें सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल दिखता है, तो ये पैसा हमारी जेब में तो आया नहीं है, पर ये इस इफेक्ट ऑन ग्राउंड जो काम किया गया रहे थे, जैसे स्वच्छ भारत की मैं बात करूं, हमारे घर में तो अटैच टॉयलेट बाथरूम सब कुछ है, बिल्कुल, लेकिन जिसके घर में है ही नहीं, सोचिए कि मतलब हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो जो जो हमें नहीं दिखा वो उन्होंने किया है, जैसे आपने बहुत शोर मचा के, आप मतलब आप पार्टी ने बहुत शोर मचा के काम किए हैं एट द ग्राउंड लेवल, बीजेपी ने मेरे ख्याल बहुत चुपचाप काम किए हैं और इसीलिए शायद इतना कॉन्फिडेंस था। तो आई थिंक इकोनॉमी से एक्सपेक्टेशन अब ये है कि ये जो किसी को भी मार्जिनाइज ना किया जाए, ना खान मार्केट वालों को, ना ही छोटे सबका विकास। रोहित, मेरा ये मानना है कि मोदी के नए अवतार में राजनीति का नया दौर है और इसमें भाषा की मर्यादा पत्रकारों को भी रखनी होगी और इसके साथ साथ स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा है, लहू के कतरों से चुनकर वक्त की बात अगर तुम न कहोगे तो वो कौन और होगा, लहू से रिश्ती स्याही से चुनकर अगर रक्त की बात तुम न लिखोगे तो वो और कौन होगा। वाह, चलिए मनीष जी के इसी शेर के साथ और आप सभी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े आज देश का सवाल में चर्चा के लिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।